गद्य खंड में कौन निबंध है, कौन कहानी है, कि कौन भाषण बा, कि कौन संभाषण बा, कि कौन डायरी लेखन बा, एक एक चीज के समझेंगे हम लोग। गद्य खंड में कौन क्या है, इसके लिए ट्रिक होता हम लोग के पास, है ना, एक ट्रिक है। उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, माने उसने कहा था, उसने कहा था, उसके बाद रोज और उसके बाद तिरछ, मात्र तीन कहानी है आपके 13 चैप्टर में, मात्र तीन कहानियां हैं। और कहानियों को पढ़ने में मजा आता है, निबंध को पढ़ने में भले मजा ना आए, तो उसने कहा था ये कहानी है, उसने कहा था, गुलेरी जी का कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके कवि है, सॉरी लेखक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक है। और बड़ी चीज ये है ना, किस व्यक्ति ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र तीन कहानी लिखा अपने जीवन में, और ये तीन कहानियां विश्व प्रसिद्ध कहानियां बनी। उसने कहा था, रोज एक कहानी है, क्या है, रोज एक कहानी है, सचिदानंद हीरानंद वास्यान अज्ञे जी की कहानी है। आप लोग 10 क्लास में इनकी एक कविता पढ़े थे, हिरोशिमा, प्रयोगवाद के कवि हैं, बहुत प्यारे, रोज। उसके बाद तिरछ एक कहानी है, तिरछ जो कहानी है अंधविश्वास के ऊपर टिका हुआ है, कि एक तिरछ नामक कोई जानवर है, काट लेता है और इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। समझिए बात अब हमारी, ये कहानी का ट्रिक हो गया। उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, तो हमने कहा, क्या कहा भाई, मैंने ये बात है इसमें कही गई है कि उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, तो हमने कहा, क्या कहा, ओ नारी तुम्हारे एक बात और एक पत्र से समाज प्रगति कर जाएगा, जैसे ओ से, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, नारी से अर्ध नारी स्वर, बात से बातचीत, पत्र से एक पत्र एक लेख, एक लेख एक पत्र भगत सिंह का है, बहुत प्यारा निबंध है ये। और समाज प्रगति कर जाएगा, समाज और प्रगीत, एक निबंध है, समाज और प्रगीत, प्रगीत, ठीक है, ट्रिक याद हुआ, क्या हुआ ट्रिक, पूरा देखो, पांच ही निबंध है, 1 2 3 4 5, आपके 13 चैप्टर में से 5 गो निबंध हो गया, 3 गो कहानी हो गया, तब 5 3 अब बचिया के गो, 5 गो, ठीक है, उसका भी ट्रिक है लेकिन लंबा चौड़ा हो जाता था, इसलिए उसको हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं, उसको दिमाग से याद कर लेते हैं। 12 क्लास में हम लोग के लिए 3 कहानी है, उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, उसने कहा था रोज तिरछ, तो उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, जब हमें उसने रोज तिरछी नजरों से देखा, तो हमने कहा ओ नारी तुम्हारे एक बात और एक पत्र से समाज प्रगति कर जाएगा। करके तो देखो, एक बार बोल के तो देखो, एक बार पत्र लिख कर तो देखो, जाए कुल लफंडा वाला सर ऐसे ही हो जी हसन, अपन विकास कर लिया हसन, तो ट्रिक क्या बनल, ओ से ओ सदा नीरा, नारी से अर्ध नारी स्वर, बात से बातचीत, पत्र से एक लेख एक पत्र, समाज प्रगति कर जगह, समाज और प्रगीत, ये 5 निबंध याद हो गए, ये 5 आप लोग को निबंध याद हुए कि नहीं याद हुए, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। उसके बाद कौन कौन सा बचा भाई, बातचीत निबंध है, उसने कहा था कहानी है, उसके बाद अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, रोज कहानी है, एक लेख एक पत्र निबंध है, ओ सदा नीरा निबंध है, आप देखिए प्रगीत और समाज निबंध है, और उसके बाद तिरछ कहानी है। अब जो बच गया, कौन बच गया, एक गो दू गो तीन गो चार गो पांच गो, पांच गो बच गए ना, संपूर्ण क्रांति भाषण का जयप्रकाश नारायण के द्वारा गांधी मैदान में दिया गया एक भाषण था, क्रांति, संपूर्ण क्रांति, उन्होंने इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक जागृत करते हुए कहा था
मित्रों ये क्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति है और देश में क्रांति आनी चाहिए। ये है संपूर्ण क्रांति एक भाषण, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे सिपाही की मां, ये एकांकी है। क्या है? एकांकी है। ये भी कहानी की तरह होता है लेकिन इसको सिर्फ एक बार प्रदर्शित किया जाता है जिसे एकांकी कहते हैं। उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। झूठन एक आत्मकथा है भाई। आत्मकथा को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। इस कथा को पढ़ने के बाद, इस झूठन जो आत्मकथा को पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में आग लग जाएगा। तुम्हारे अंदर जो आज समाज की स्थिति है उसको देख करके यार इतना गंदा स्थिति है, लोगों को झूठा खाने पर मजबूर हो जाते हैं लोग। और शिक्षा क्या है? यह संभाषण है, मैंने जस्ट लाइक फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू की तरह सवाल पूछा जा रहा है, यहां जवाब आ रहा है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का मतलब बड़ा रोजगार प्राप्त करना, बड़ी नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब सही इंसान और समाज में बेहतर इंसान बनना होता है। इन्हें कि बहुत बड़ा नौकरी लग गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो शिक्षा सफल नहीं भाई। शिक्षा का मतलब सही इंसान बनो, शिक्षा इसलिए ग्रहण करो। जय कृष्णमूर्ति इस पर चर्चा करते हैं। तो ये चीजें थी इसके अंदर। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति भाषण है, सिपाही की मां एकाकी है, रोशन राकेश का झूठन आत्मकथा है, हंसता हुआ मेरा अकेलापन डायरी लेखन है, और शिक्षा क्या है? एक संभाषण है। और उसके बाद तो याद है, उसने रोज तिरछी नजरों से देखा तो हमने कहा ओ नारी तुम्हारे एक बात और एक पत्र से समाज प्रगति कर जाएगा।